हेलो स्टूडेंट, ठीक है, फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। अभी मैं एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए जरा क्वेश्चन देखा है बोर्ड पे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग, आप इमेजिन करिए कि आप सिटिंग है यानी बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, चैम्बर में। ये क्वेश्चन बोल रहा है विद योर बैक, आपकी जो बैक है, बैक टू वॉल, वॉल एक तरफ, यानी कि आपकी जो बैक है वो वॉल की एक तरफ है। फिर वो कह रहा है यानी कि क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग, यानी इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग कर रहा है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक बॉल टू फ्रंट बॉल की तरफ, बैक बॉल से फ्रंट बॉल की तरफ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आगे बोल रहा है इज रिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब आप कल्पना करिए जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो बैक है वो वन बॉल की तरफ है, और फिर ये साथ में यानी बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यानी चैम्बर में वन बॉल की तरफ है, इलेक्ट्रॉन बू यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं बैक टू फ्रंट की तरफ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बैक टू यानी कि फ्रंट की तरफ, तो पिछली वाली दीवार से आगे वाली दीवार की तरफ, यानी कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट यानी डायरेक्शन किसका होता है, करंट का। इसका मतलब यानी कि वो बैक से अगर फ्रंट में आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन यानी कि उल्टा होगा, करंट का डायरेक्शन कहां से होगा, यानी फ्रंट से बैक की तरफ होगा। जब करंट का डायरेक्शन यानी फ्रंट से बैक की तरफ हो गया, करंट का डायरेक्शन कहां से, फ्रंट से ये बैक की तरफ हो गया, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां पर है, बैक से फ्रंट की तरफ, क्वेश्चन के अनुसार। तो आइए फिर यानी कि डायरेक्शन करंट का हो गया, और यानी अब आ जाइए यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है यानी ये वाला जो थंब है वो किसी डायरेक्शन को बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये वाला थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो यानी कि फोर्स उस डायरेक्शन में होगा जहां पर थंब होगा, और ये वाला डायरेक्शन किसका बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का बताता है, और दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मतलब करंट यानी कि ये हो रहा है, यहां पे करंट क्या हो रहा है, यहां पे फ्रंट से बैक की तरफ चल रहा है, करंट कहां चल रहा है, फ्रंट से बैक की तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है, बैक से यानी कि इसकी तरफ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट, ये करंट, दिस इज द करंट, और ये वाला जो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और ये वाला कहां जा रहा है, यानी कि हमारा फ्रंट से बैक की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से, और ये राइट साइड में जो होगा हमारा ये फोर्स होगा। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को कॉल करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे दैट क्वेश्चन।